वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीम हेल्थ केयर। दोस्तों आज हम हमारे जो कर्नाटका आयुर्वेद एंड मेडिकल कॉलेज है उसका जो एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रवि राव उनके साथ हम लोग बैठे हैं। अभी थोड़े समय पहले कर्नाटका आयुर्वेद कॉलेज में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे जिनका एडमिशन 2017-18 के बैच में हुआ था उस बच्चों का जो रिजल्ट है ठीक है वो बहुत पॉजिटिव आया है और पूरे कर्नाटका स्टेट में इतना बेहतरीन रिजल्ट किसी कॉलेज ने नहीं दिया है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं कर्नाटका स्टेट में जो एडमिशन्स तो कर लेते हैं बहुत अच्छे से एडवर्टाइज करके कुछ भी करके ठीक है, बट एजुकेशन में उनका फोकस जो क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करना है उसमें उनका फोकस बहुत कम रहता है। हम सालों से ये बात कर रहे हैं कि कर्नाटका आयुर्वेद कॉलेज में यदि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे तो आपको एक एजुकेशन में क्वालिटी मिलेगा ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कॉलेज का एजुकेशन में वो पढ़ाने में कितने एक्सपर्टाइज है ठीक है, उसका जो रिज़ल्ट है उसके जो बच्चे वहाँ से जो पास आउट होते हैं वहाँ से हमें वो थोड़ा अंदाज आता है, हमें थोड़ा आइडिया आता है एज ए पेरेंट्स कि मेरे बच्चे के लिए आयुर्वेदा कोर्स में कौन सा बेटर कॉलेज है। अभी ऑलरेडी काउंसलिंग का जो प्रोसेस चल रहा है और उस काउंसलिंग के प्रोसेस में हमें कैसे चॉइस फिलिंग करना है कौन से कॉलेज को हमें पहले प्रायोरिटी पे रखना है उसके रिजल्ट के बेस पे हमें उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं वो हमेशा सोचते हैं कि मुझे महाराष्ट्र के बॉर्डर का नज़दीक का कॉलेज मिले, बट आप वहाँ पर ज़रा जाके देखो उन लोगों का रिज़ल्ट क्या है। यदि आप एडमिशन सबके बच्चों का करते हो और वो भविष्य में डॉक्टर नहीं बनेंगे पास भी नहीं होंगे तो आप कैसे मैनेज करेंगे ठीक है। सर आप हमें ये बताइए हमारे कॉलेज में ये जो लेटेस्ट में जो अभी रिजल्ट आया फाइनल ईयर के बच्चों का उसका ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस कैसा है सभी बच्चों का। नमस्कार, थैंक यू सर। हमने इस टाइम एक्चुअली टोटल हमारे बच्चे 82 बच्चे एग्ज़ाम दिए उसमें 91% पास हुए हैं। उसमें 91 में करीबन 11 बच्चे दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15% तक डिस्टिंक्शन अचीव किए हैं, दैट इज़ मोर देन 75% उनको फाइनल एग्ज़ाम में मिला है। नॉट ओनली दिस एक्चुअली हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं करीबन 75% तक फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं। ये हालांकि बच्चों का अच्छा अचीवमेंट है। इसमें हमारे टीचर्स जो अलग अलग इसमें से यूनिवर्सिटी से है जैसे बनारस से है कोई कोई जामनगर से है कोई राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से के अलग अलग यूनिवर्सिटी से के अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे बच्चों को गाइड किया है। उनके गाइडेंस के मुताबिक और बच्चों का हार्डवर्क के एफर्ट से हमने ये अच्छा टोटल 91% तक रिजल्ट हमने अचीव किया है। थैंक यू वेरी मच सर जी। देखो ये एक अचीवमेंट है कॉलेज का। बहुत सारे पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा। कर्नाटका में बहुत कॉलेजेस हैं ठीक है, आप एजुकेशन के क्वालिटी को प्रायोरिटी दीजिए, सिटी के कैंपस को प्रायोरिटी दीजिए, आप ये देखें कि कौन सा कॉलेज कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ है। सर हमारा ये जो कॉलेज है ऑलमोस्ट 2002 में एस्टेब्लिश 2002 में एस्टेब्लिश हुआ है और हम जो है सिटी के बीचों बीच है। हाँ। जहाँ से रेलवे स्टेशन भी नज़दीक है और एयरपोर्ट भी सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पे एयरपोर्ट है और बस स्टैंड भी 3 किलोमीटर दूर में है और वेल कनेक्टेड है। यहाँ से आप चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या केरला हो सभी जगह के लिए वेल कनेक्टेड है। हाँ, ये मैंगलोर का खासियत है। यहाँ जो दो रेलवे स्टेशन है हर महाराष्ट्र के लिए, जैसे आप मुंबई लीजिए मुंबई के लिए दिन के 3 से 5 ट्रेन्स है, गुजरात के लिए डेली ट्रेन्स है और नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे आप हरियाणा लीजिए या दिल्ली लीजिए, दिल्ली तक हमारा कनेक्टिविटी मैंगलोर से अच्छी कनेक्टिविटी है और हमारे अच्छे हॉस्पिटल भी हैं जहाँ लेटेस्ट जो आयुर्वेद की तरफ से जो फिस्टूला पाइल्स और ये अलग अलग जो आयुर्वेद से ट्रीट किया जाता है इसका सर्जरी भी होता है और हमारा जो पंचकर्म जो है अच्छा फैसिलिटी है जिसमें डिलक्स फैसिलिटीज भी है पेशेंट्स के लिए, जहाँ अलग अलग जगह से यहाँ आजू बाजू से जो ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं और कुछ जो एफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए नॉर्मल इसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो डिलक्स ट्रीटमेंट एफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए डिलक्स की सुविधा भी है। हमें दो टाइप के पंचकर्मा सेटअप भी है हमारे पास जहाँ हम
अलग अलग, जैसे शरद ऋतु में शरद विरेचन, वसंत वसंत ऋतु में वासंतिक वमन, ऐसे अलग अलग। और अभी लास्ट में कार्तिक मास हुआ, कर्कटिका ये किया था, जिसमें हर एक इसका कैंप का अच्छे फैसिलिटीज़ का हम पेशेंट्स ने इसका बेनिफिट उठा लिया है। और इसके अलावा जो है, हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ के लोकल के लिए सुविधा होने के लिए हम अलग अलग कैंप रखते हैं। जैसे हालांकि दो लास्ट दो महीने में हमने यहाँ कुद्रोली और बुकापटना और यहाँ तन्नीर बावी अलग अलग जगह हम हर महीने कैंप रखते हैं, जिससे जो है हमारे बच्चे उस कैंप में चले जाते हैं और बच्चों अलग अलग डिसीज़ अलग अलग पेशेंट्स को लिए एक्सपोज होते हैं, और पेशेंट्स जो है वहाँ से हमारे हॉस्पिटल भी पेशेंट आते हैं, और उसका जो अलग अलग जैसे पंचकर्मा ट्रीटमेंट है या शल्य का सर्जरी का ट्रीटमेंट है, इसका लाभ पेशेंट्स भी उठाते हैं। उसके अलावा हमारे ये जो कॉलेज है कर्नाटका आयुर्वेद एंड मेडिकल कॉलेज, उसका जो ऑफिशियल टाइप है डिस्ट्रिक्ट मैनलॉक हॉस्पिटल एंड फादर मुलर हॉस्पिटल, वहाँ पे डेली का ऑलमोस्ट 1200 से 2000 पेशेंट का ओपीडी है। वहाँ का जो आयुष का ओपीडी में हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं इवन प्रोफेसर, रेगुलर इंटरवल पे उनको वहाँ पे जाना होता है, और बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक एडवांस लेवल पे मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है कॉलेज का। और कॉलेज में देखो कैसा है कि ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे 100 सीट है, बीएएमएस का 100 सीट है, एंड एमडीएमएस मास्टर डिग्री के लिए भी आपको यहाँ पे 25 सीट्स है। तो आप यूजी से लेके पीजी तक का ऑप्शन आपको विद इन द सेम कैंपस भविष्य में मिल सकता है। ठीक है, और ऑल इंडिया कोटा के हमारे 15% सीट्स है, स्टेट कोटा के 25% सीट्स है, अदर कोटास मतलब मैनेजमेंट कोटे के 40% सीट्स है, और एनआरआई कैटेगरी के 20% सीट्स है। तो यदि आपका स्कोर थोड़ा कम है, ठीक है, तो भी आपको एडमिशन मिलने का देखो कर्नाटका में स्कोप है, ये कॉलेजेस में भी आप अप्रोच कर सकते हैं। एक ही शर्त है, आपको यहाँ पे रेगुलर पढ़ना होगा। तो यदि आप सोचते हैं कि मुझे कर्नाटका आयुर्वेद कॉलेज में एडमिशन्स लेना है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पे हमें संपर्क करें। हमने कॉलेज का जो ऑफिशियल कोड है जो आपको ऑप्शन एंट्री में डालना है वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। फीस के रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप हमें स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वी आर एज ए टीम हेल्थ केयर कंसल्टेंसी ऑथोराइज कंसल्टेंट फॉर दिस कॉलेज। We are recommending you this college not for the our benefits, but we are recommending this college for your better future. So आप निश्चिंत हमें संपर्क करें, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपने अगले सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर।